कक्षा 3 मानक हिंदी व्याकरण का 11वां पाठ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय, कपड़े धोने वाला, धोबी, पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला माली, डाक बांटने वाला डाकिया। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ऊपर लिखे वाक्यांशों के साथ एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एक एक शब्द भी पूरे वाक्यांश का अर्थ प्रकट करते हैं। इस तरह हम कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को सहजता से स्पष्ट कर सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। आइए कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में पढ़ें। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, लोहे का काम करने वाला लोहार, रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक, खेती करने वाला किसान, कपड़े सिलने वाला दर्जी, छात्रों को पढ़ाने वाला शिक्षक, चित्र बनाने वाला चित्रकार, गाना गाने वाली गायिका, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, जहाँ इलाज किया जाता है अस्पताल। कुछ अन्य उदाहरण। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी, व्यापार करने वाला व्यापारी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो डरता हो डरपोक, जो किसी से न डरे निडर। आइए देखें हमने क्या सीखा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। खास कार्य। मिलान कीजिए। महीने में एक बार होने वाला मासिक, मांस खाने वाला मांसाहारी, जो डरता हो डरपोक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, डाक बांटने वाला डाकिया, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय। दूसरा, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक, जो किसी से न डरता हो निडर, जो कभी न मरे अमर, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, शहर में रहने वाला शहरी। तीसरा, रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मैं गाना गाने वाला बनना चाहता हूँ, गायक। सोमवार से मेरी महीने में होने वाली परीक्षाएं आरंभ होंगी, मासिक। कल हमारे विद्यालय में एक चित्र बनाने वाला आया था, चित्रकार। अपने कपड़े धोने वाले को दे दो, धोबी। नृत्य करने वाले ने अपनी प्रस्तुति की, नर्तक।